शिरडी के साईं बाबा को लेकर दिए हुए अपने बयानों की वजह से और धारा 370 को लेकर भी स्वामी स्वरूपानंद ने जो कुछ कहा उसको लेकर एक बवाल और एक चर्चा, एक डिबेट समाज में देखने को मिली। ये प्रोग्नोसिस जरूर है, लेकिन इस वक्त हम ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी के समक्ष यहां मौजूद हैं और आइए उनसे इन बातों की कुछ और गहराइयां समझने की कोशिश करें। क्या कहीं कुछ ऐसा है जो कहा गया जिसके मतलब कुछ और निकाले गए, जिस तरीके से समझा जाना चाहिए था, कम्युनिकेट जिस मकसद के लिए किया गया था, असल में वो बात कहीं और चली गई, या जो कहा गया उसका मतलब वही था जो लोगों ने निकाला। हमारे साथ शंकराचार्य जी स्वयं मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका समय पर। स्वामी जी, ये लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या कुछ इसके इतर भी है जो कहा गया, सुना गया और समझा गया। ऐसा है कि हमने एक बात पर ध्यान आकृष्ट कराया है कि धर्म का आधार प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, अनुमान भी नहीं हो सकता। अनुमान की पुष्टि दो तरह से होती है, या तो प्रत्यक्ष से उसकी पुष्टि हो और या फिर शास्त्र से उसकी पुष्टि हो। तो धर्म के संबंध में हम प्रत्यक्ष सब बातें सिद्ध नहीं कर सकते, परलोक की बात, मरने के बाद आत्मा रहती है और उसको शुभाशुभ फल परमात्मा से मिलता है, इस बात को कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा सकता। इसके लिए हमको शास्त्र का ही आधार लेना पड़ता है और इसी आधार पर हमारा धर्म टिका हुआ है। और केवल हमारा ही नहीं, दूसरे धर्मावलंबी भी जो हैं वे भी परलोक की बात करते हैं, तभी उनके मत को धर्म कहा जाता है उनकी दृष्टि से। तो वे लोग भी कहते हैं कि मरने के बाद कयामत के दिन, कयामत के दिन तक वहां रूहें पड़ी रहेंगी कब्र में, उसके बाद कयामत के दिन रूहें उसमें से निकलेंगी, खुदा के सामने पेश होंगी और मोहम्मद साहब की सिफारिश के अनुसार उनको जन्नत या दोजख मिलेगा। इसी तरह से ईसाई भी कहते हैं कि मरने के बाद भी जीवन है और उनको गॉड से पुरस्कार या दंड मिलेगा। इसी प्रकार और भी जितने धर्म हैं कि बस चारवाक मत को छोड़कर सभी परलोक पर विश्वास करते हैं और परलोक की सिद्धि उनके अपने शास्त्रों से होती है। इसलिए हमने ये प्रश्न उठाया है कि जो शिरडी के साईं बाबा की पूजा शुरू की गई है ये किस शास्त्र के आधार पर की गई है। तो हम लोगों ने ये पाया कि हमारे शास्त्र में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आता कि कलयुग में चांद मियां के रूप में कोई अवतार होगा। और दूसरी चीज ये है कि अवतार के संबंध में हमारी जो धारणा है वो धारणा इस बात को लेकर है कि जो अवतार होते हैं वो धर्म की गिलानी मिटाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने गीता में सुना, यदा यदा धर्म से ज्ञानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्म से ददात्मान सृजनम हम। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का अभ्युत्थान होता है, तो मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समवामी युगे युगे। तो भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है और धर्म की रक्षा के माध्यम से भगवान समाज को सुव्यवस्थित करते हैं, उनको पतन से बचाते हैं, उनका रोग बनाते हैं, परलोक बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म के संबंध में शास्त्रों को छोड़कर और कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है और शास्त्रों के अनुसार हमारे यहां उपासना का वर्णन है। उपासना उपास्य की होती है, भक्ति भजनीय की होती है, जिसका भजन करना चाहिए उसी की भक्ति होती है। तो इस पर हमारे यहां बहुत शास्त्रार्थ है। राम हमारे उपास्य क्यों है, इस पर तो पूरी रामायण है।
तो स्वामी जी, वो तमाम लोग जो साईं बाबा को मान रहे हैं और पूज रहे हैं, क्या वो शास्त्र से विमुख हो गए हैं? क्या वो भ्रमित हैं? ऐसा है कि हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म पर विश्वास तो करते नहीं है, उनका विश्वास अपनी इच्छा पूर्ति में है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा है, उसको चुनाव जीतना है, उस शिव जी के साईं बाबा के यहां पहुंचता है, कहता है कि बाबा हमको चुनाव में जिता दो। अगर वो जीत गया तो कहते हमारे साईं बाबा में श्रद्धा हो गई, हमारी आस्था हो गई। अगर वो हार गया तो वो कहने नहीं आता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो साधुओं के यहां जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, अपनी अपनी मनोकामना रखते हैं। ये केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जा रहे हैं, परलोक बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो क्या वो लोग अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के संदर्भ में उनको मानने लगते हैं, इसी वजह से शायद इतना चढ़ावा और इतने फॉलोअर्स उनके हो गए हैं साईं बाबा के? इतने नहीं है, यहां जो चढ़ावा बढ़ा है उसका मूल केवल साईं की भक्ति नहीं है। ये है, ये देखिए आप, ये साईं बाबा बंसी बजा रहे हैं, श्री कृष्ण के साथ खड़े। ये साईं बाबा भगवान के साथ खड़े हैं, ये साईं बाबा गणेश जी के साथ खड़े, ये साईं बाबा दत्तात्रेय बन गए हैं, ये साईं बाबा ये जगदम्बा के रूप में खड़े हैं, ये शेषनाथ की सैया पर बैठे हैं, और ये देखिए तीसरे नेत्र खोले हुए, और ये देखिए बंसी बजा रहे हैं, कमल ने बंसी बजाई थी, ये आप देखिए ये सरस्वती बन गए, ये आप देखिए ये लक्ष्मी बन गई, ये आप देखिए ये शंकर जी बन गए जी। तो लेकिन स्वामी जी, खुद तो प्रचार वो उन्होंने खुद तो किया नहीं, उनके मानने वाले उनको इन तमाम रूपों में देखना चाहते हैं या देखते हैं? इसको आप देखिए, ये हो गया और ये है देखिए भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया जी, विराट श्री कृष्ण की जगह साईं। तो ये जो प्रचार हो रहा है, ये हिंदू जनता को जो कृष्ण को मानती है, गणेश को मानती है, शिव को मानती है, सरस्वती को मानती है, उसके नाम पर उसकी समाधि में ले जाते हैं और अपना चढ़ावा करते हैं, तो ये जो है ठगी है। तो क्या स्वामी जी, सनातन धर्म को मानने वालों को वो जो शास्त्रों के आधार पर कही हुई बातें और आप के जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स, बड़े महात्मा जिनका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको भ्रमित करना, भटका पाना इतना आसान है? ऐसा है कि ये अब लोगों का भ्रम दूर हो रहा है, और इस भ्रम को दूर होने के कारण आज लोग चिढ़ रहे हैं, हमारे पुतले फूंक रहे हैं, हमारे खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, इसको जेल भिजवा दो, इसके पुतले फूंक दो, और इसके खिलाफ हम जो कुछ वक्तव्य देते हैं आप लोगों के सामने, उसके बाद फिर एक पंचायत बैठती है और उसमें पेशेवर आदमी बैठ जाते हैं जो हमको गाली सुनाते रहते हैं। तो ये सब जो दिखाया जा रहा है, इससे लगता है कि वो विचलित हो चुके हैं और उनको इस सत्य को सहने की ताकत नहीं। लेकिन स्वामी जी, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शंकर जी की उपासना भी करते हैं, विष्णु जी को भी मानते हैं, कृष्ण के आराधक हैं, लेकिन साथ में साईं बाबा को मानते हैं, कहते हैं कि हम भटके कहां, हम तो साथ में एक जिनको हम सद्गुरु मानते हैं उनको हमने है कि आपने जो चित्र देखे उसमें मुख्यता किसकी है? साईं की है, जो एक असत है। हमारे यहां उपासना के लिए उपास की तीन कसौटी है, एक तो वो असत नहीं होना चाहिए, अचेतन नहीं होना चाहिए और अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो असत इसलिए है क्योंकि वो अब जीवित नहीं है, इसलिए उपास नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि वो अचेतन है,
उसकी मूर्ति। हम लोग मूर्ति में भगवान को बुलाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके उनको चेतन बनाते हैं, तब उनकी पूजा करते हैं। हम पार्थिव ईश्वर की पूजा करते हैं तो मिट्टी के पिंड में शंकर जी का आवाहन करके पूजन करते हैं, और उसके बाद विसर्जन कर देने के बाद वो मिट्टी हम नहीं रखते। तो हम परमेश्वर को मंत्रों से बुलाकर उनकी पूजा करते हैं, माने चेतन की पूजा करते हैं। और इसी कारण हम जो हमारी ऊपर मुक्ति पूजा का आरोप लगाते हैं उसका उत्तर हम दे सकते हैं। अगर हम साईं बाबा की बात करेंगे तो हम दूसरों के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि किस मंत्र से साई बाबा में प्राण प्रतिष्ठा होगी? कोई हमारे शास्त्र में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो कि किसी के भी पुण्य, किसी की भी मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा कर सके, इसलिए अचेतन है। और तीसरी कसौटी है कि वो योग्य होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो साई बाबा का जैसा हम चरित्र पढ़ते हैं उन्हीं की पुस्तक के अनुसार कि वो व्यक्ति क्रोधी था, तमाकू पीता था, वो व्यक्ति क्रोध करता रहता था, वो मांसाहार करता था, लोगों के मुंह में मांस थूकता था, कुत्ते के साथ उसी बर्तन में भोजन करता था, और न जाने कितने कितने काम करता। कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण हम उसको आदर्श मान लें और उसकी पूजा करने लग जाए? तो ये भी नहीं टिकता। इसलिए हमने ये बताया कि ये धर्म विरुद्ध, और इससे हम लोगों को बचना चाहिए। क्या ये मुमकिन है स्वामी जी कि अगर उन्होंने भक्ति और श्रद्धा का केंद्र मानते हुए साई बाबा की पूजा शुरू कर दी है तो क्या वो ऐसा करते रह सकते हैं, या आपके मुताबिक एकदम निषिद्ध है और उनको तुरंत ऐसा करने से बाज आ जाना चाहिए? बात यह है कि अगर उनका ईश्वर पर विश्वास है तो हम सीधा उनसे प्रश्न करते हैं, ये बताइए कर्मों का फल मनुष्य दे सकता है कि ईश्वर देता है? अगर ईश्वर देता है तो ईश्वर के बताए हुए नियमों के अनुसार आप चलिए, तब आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और अगर मनुष्य दे सकता है तो ये बात जो है खंडित हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा धर्म है, और वो माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं, हमको सारी संपत्ति सौंप चुके हैं, अब हम बुढ़ापे में उनकी सेवा करते हैं, वो तो हमारी सेवा का फल नहीं दे सकते। तो हम इस बात को लेकर उनकी सेवा कर रहे हैं कि हमारे कर्म का फल ईश्वर देगा। इसी तरह से अगर हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, तो वो प्यासा और भोजन भूखा हमें हमारी सेवा का फल नहीं दे सकता। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये ईश्वर देख रहा है। तो कर्मों का फल वो दे सकता है जो सबके कर्मों को जानता है और फल देने की ताकत रखता है। स्वामी जी यही बात तो उन्होंने शायद प्रकारांतर से उमा भारती ने भी कहने की कोशिश की थी कि हम भगवान नहीं देखते उनमें। कई लोग भगवान के तुल्य इनको इसलिए मानने लगते हैं क्योंकि आप कई बार पिता में भी भगवान की छवि देखते हैं, माँ में भी देखते हैं, और इसीलिए कई लोग उनको गुरु मानते मानते भगवान भी मानते हैं। तो इसमें उमा भारती ने जो दृष्टांत दिया कि हम अपने माता के प्रति आस्था रखते हैं, तो आप अपने माता पिता के प्रति आस्था रखिए, लेकिन दूसरों के घर में ले जाके अपने माता पिता की फोटो रखेंगे तो वो क्यों मानेगा? ये आपकी व्यक्तिगत बात है। तो अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको मानते हैं, तो फिर हमारे यहाँ उनकी मूर्ति क्यों रख रहे हैं? तो क्या आप साई आप उनको मानते हैं तो आप हमारे विराट रूप भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको क्यों जोड़ते हैं? इसका मतलब यह है कि आपका उन पर विश्वास नहीं है। हमने एक प्रश्न उठाया, वो उठाया है कि जो हिंदू, जो सनातन धर्मी शिरडी साई बाबा के यहाँ नहीं जाता, उसको नहीं मानता, उसका उसकी गंगा उद्धार करेगी कि नहीं, उसका राम उसका उद्धार करेगा कि नहीं? अगर वो उसका उद्धार कर सकता है बिना शिरडी के यहाँ गए, तो हम उसके यहाँ क्यों जाएं? और उनको हमारे बिना उनका काम नहीं चलता। इसलिए वो लोग अपने विश्वास को अधूरा होने के कारण हमारे भगवान के साथ उनको जोड़ते हैं।
मंत्र बदलते हैं, उनका रूप बदलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनका स्वयं पर, स्वयं के सिद्धांत पर ही विश्वास नहीं है।